हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज से हम फोटोशॉप, बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी सर फोटोशॉप स्टार्ट कीजिए, फोटोशॉप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज से हम फोटोशॉप भी पढ़ते हैं। ठीक है, और फोटोशॉप पे देखेंगे और एक एक करके हम आपको बताएंगे हर टूल्स के बारे में, सब मेनू के बारे में, एक एक करके एक एक वीडियो सब एक एक वीडियो में सब चीज़ को हम डिस्कस कराते चले जाएंगे। आज का पहला क्लास है, इसलिए हम आज की क्लास में सिर्फ फोटोशॉप का कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं फोटोशॉप क्या होता है। फोटोशॉप क्योंकि आप जानते हैं कोई भी आप सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो उसके पहले उसके बारे में जानना जानकारी होती जरूरी होती है। ठीक है, तो फोटोशॉप क्या होती है, देखिए फोटोशॉप जो एक प्रकार के फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होती है जिसमें हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज आप स्टूडियो में, जैसे कि स्टूडियो में मान लीजिए कि कोई फोटो एडिटिंग करने यहाँ पे, या फिर आप कोई मूवी जैसे बनती है जैसे कि हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड कोई मूवी बनती है उसमें भी यहाँ पे फोटोशॉप की क्या है वहाँ पे भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप की, यानी कि फोटोशॉप की मदद एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे हम सिर्फ फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फोटो को एडिटिंग करना, फ़ोटो को बनाना या फिर यही ये सब सीखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए फोटोशॉप में। देखिए फोटोशॉप में आपको दिख रहा होगा यहाँ मेनू बार में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज, हेल्प। ठीक है, तो फाइल में आप लोगों को देखिए बहुत सारे फाइल मेनू में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, न्यू, ओपन, ब्राउजर, ओपन एज, ओपन रिसेंट, क्लोज, सेव, सुबैज। ठीक है, सेव फॉर वेब रिवेट। ठीक है, यहाँ से आप ये एक एक करके मैं एक एक जो फंक्शन दिखा है एक एक करके मैं सब पर डिस्कस करके क्लास में बताते चला जाऊँगा। एक जब आगे की वीडियो में हम पढ़ाएंगे तो एक एक करके सब पर हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें बताते हूँ। ठीक है, तो ये आप देखिए मेनू बार में मैं आपको बताया था कि ये फाइल मेनू है, एडिट मेनू, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, यानी कि ये सबका अलग अलग काम है। फाइल में आप फाइल का काम कर सकते हैं, एडिट में आप एडिटिंग का काम कर सकते हैं, इमेज में आपका जो इमेज लेंगे उसका काम कर सकते हैं, यहाँ पर लेयर में जो लेयर का क्रिएट करना उसमें कुछ चेंजिंग करना उसका काम कर सकते हैं, फिल्टर दे यहाँ से आप फिल्टर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये क्या हो? आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारे क्या है, टूल्स मेनू, यानी टूल्स बार इसको कह सकते हैं या फिर आप टूल्स मेनू भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे जो फोटोशॉप के जितने टूल्स होते हैं वो शो करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो ये हम फोटोशॉप अभी यूज कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, ये हमारी एक नया फोटोशॉप का नया पुराना वर्जन है जिसका नाम क्या है, एडोब फोटोशॉप 0.7। उस पर हम काम करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इस पर काम करना सीख लिए तो जो अभी नया वर्जन आया है वो भी उस पर भी आप काम करना अच्छी से काम करना सीख लेंगे। यानी इस पर अगर आप काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकें क्योंकि कोई उसमें चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किया है, बाकी सब यही है। ठीक है, इसलिए हम इस वाले पे पढ़ेंगे, यानी पुराने वाले पढ़ेंगे, एडोब फोटोशॉप 0.7 पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, मैं आपको बता रहा था कि ये इसको आप टूल्स मेनू कर सकते हैं या टूल्स बार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका मू है, ये क्या है, मू है, ये देखिए मार्क्यू टूल है यानी कि सिलेक्शन टूल है, ये आपका दिख रहा है मैजिक वन टूल, ये लासो टूल, यानी कि यहाँ से एक सब टूल्स दिया है जो हमारे फोटोशॉप में उपयोग किए जाएंगे। मैं आपको एक एक करके टूल्स आगे के वीडियो में बताता चला जाऊँगा। ठीक है, तो इसको मैं टूल्स मेनू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोटोशॉप के सारे टूल्स इसी में शो करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इधर, आप लोग को आप देख रहे होंगे इधर देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको लग रहा है भाई ये क्या है। ठीक है, तो भाई देखिए इसका भी फोटोशॉप में प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई लेयर ले रहे हैं तो जितना लेयर ले रहे हैं, लेयर क्रिएट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो सारी हिस्ट्री किसमें शो करेगी, आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा ऑप्शन लेयर का, इसमें आपको सारी हिस्ट्री शो करेगी। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है हिस्ट्री, ये क्या होता है, यहाँ पे आप क्या शो करेंगे, आप कहेंगे भैया कि आप सर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लेयर लेंगे उसका ये हिस्ट्री शो करेगी, तो यहाँ हिस्ट्री तो यहाँ लिखी है, इसमें क्या शो करेगी भाई, यहाँ भी शो करेगी, यहाँ भी जो लेयर लेंगे वो भी शो करेगी, या फिर जो टूल्स हम यहाँ से लेंगे या फिर कोई फिल्टर वगैरह लगा रहे हैं उन सब की हिस्ट्री इसमें शो करेगी कि हम जो फोटो एडिट कर रहे हैं उस पर जितना भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस किस का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी हिस्ट्री इसमें शो करेगी। ठीक है, अब आ जाइए, ये है
नेविगेटर, ये नेविगेटर क्या होता है? नेविगेटर में मान लीजिए अगर हम फोटो एडिट करते समय उसमें कोई नेविगेटर दे रहे हैं, कोई नेविगेट कर रहे हैं, तो उसकी जो हिस्ट्री होती है उसमें हमें हमारी नेविगेटर में शो करती है, ठीक है। अब आ जाइए कलर, यहाँ से आप कलर चेंज कर, कलर या भी यहाँ पर आप जो फोटो बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, या आप देखिए इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं। हटाने के लिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लोज बटन, इस पर क्लोज पे क्लिक कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए, ठीक है, इस पर भी क्लोज और इसको भी क्लोज कर दीजिए। देखिए हट गया ना। अब हटने के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा कि ब्लैंक दिख रहा होगा, ये सारी जो हमारी फोटोशॉप के जो होम पेज ब्लैंक दिख रहा होगा। अगर जो मैंने यहाँ से क्या किया है उसको क्लोज किया, उसको वापस लाना है तो क्या करेंगे? उसको वापस लाने के लिए हम आपको दिख बताया था मैं आपको मेनू बार में आपको एक विंडोज मेनू है जिसकी मदद से आप जो अभी क्लोज किए हैं उसको ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा नेविगेटर वाला, इसको एक टू कीजिए, देखिए आ गया ना। आप यहाँ पर आ जाइए, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री आ गया। अब क्या बाकी था भाई? कलर वाला, कलर ले लीजिए, और क्या था? लेयर, लेयर वाला ले लीजिए। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यानी आपके इसकी मदद से और चीज़ें भी ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्क स्पेस है, कलर वाला है, या फिर देखिए स्टाइल, एक्शन, टूल्स प्रेजेंट, ठीक है, पाथ्स, ठीक है, ब्रश, ये करेक्टर, ये सारी चीज़ें, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो एक एक करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा कलर वाला यहाँ पर एक्टिव कर लिया, जो हमारा कलर वाला पहले का था वो कौन वाला है? ये वाला है, ये वाला था ना, हाँ ये वाला। तो आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर से आप माउस में राइट क्लिक करके अगर एक एक करके आप जिस या आप जहाँ पे था अपनी अपनी जगह पे इसको सेट करा दीजिए, ठीक है। माउस की मदद से देखिए यहाँ पे मूव करा के हम जहाँ पे था उसको एक सेट करा दिए, यहाँ पे आप मूव करके रख दीजिए और ये अपनी अपनी जगह पर सेट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। आप आ जाइए, अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ब्लैंक, मैं आपको कुछ बता दूं बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक, और फोटो में जो हम फोटोशॉप में जब फोटो एडिटिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लेयर है वो हमसे नाराज़ हो गया है, कहीं चला गया है। उसको कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो देखिए अगर कोई फोटो में आप फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको एक लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लेयर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? लेयर क्रिएट करने के लिए भैया आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन जैसे आप प्रेस करेंगे, यहाँ से देखिए कंट्रोल प्लस एन मैंने प्रेस किया, आ गया ना न्यू नेम में। आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं और यहाँ से आप अपनी लेजर को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप दूसरा ना अगर आप कंट्रोल प्लस एन आपको नहीं आ रहा है, आपने शॉर्टकट की आप भूल गए हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, कोई इस यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? फाइल में जाइए, मेनू, फाइल मेनू में जाइए और यहाँ भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू का, क्या होगा? न्यू का। आप इसका भी प्रयोग करके आप अपने लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं आया, न्यू पे आया और न्यू वाला पे क्रिएट किया। जैसे आप न्यू फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका लेयर वाला क्या होगा, लेयर वाला ऑप्शन या बॉक्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखिए नेम है, यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं, जो आप लेयर ओपन कर रहे हैं उसका नेम दे सकते हैं। कि मान लीजिए मैं कोई एक नेम दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा नेम क्या है, आकाश, AKASH आकाश ओरिया, ठीक है, मैं अपना नाम दिया। अब आ जाइए रिसेंट पेज, इसमें क्या आप रिसेंट पेज में क्या कर सकते हैं? रिसेंट पेज में आप ये कह रहा है कि आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो साइज की पेज चाहिए, आपको जो पेज क्रिएट कर रहे हैं आपको किस साइज के ये, क्योंकि आप देखिए फोटो स्टूडियो में आप काम करेंगे तो वहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे आते हैं कहते हैं कि मेरा जो फोटो है वो बाई 2x देखिए 2x3 का चाहिए, 4x6 का चाहिए, यानी जो हमारा जो वहाँ पर जो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना लेयर उसका, यानी फ़ोटो का जो साइज वो किस साइज का चाहिए, वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फिलहाल में हमको A4 चाहिए, हम A4 ले लेते हैं। अब A4 का देखिए डिटेल्स बता रहा है कि A4 साइज का जो लेयर होता है उसका विथ कितना होता है, हाइट कितना होता है, उसका रेजोल्यूशन कितना होता है, यहाँ पे शो करा रहा है। आप यहाँ से चाहते हैं तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। और इसकी देखिए ये जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट मीटर में दिया है। आप पिक्सल में करना चाहते हैं पिक्सल में, इंच में करना चाहते हैं इंच में, आप जिसमें चेंज करना चाहते हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में हम मीटर में मिलीमीटर में ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप मोड, इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है RG, क्या दिख रहा है, RGB कलर। या आप यहाँ से चाहते हैं कि अगर आप इसमें भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो RGB कलर के अंतर्गत, इसके मतलब इसके अलावा भी अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे फिलहाल में हम यही रहने देते हैं। अब आ जाइए कंटेंट्स,
ये कंटेंट्स क्या होता है, आप यहाँ पे जो लेयर क्रिएट करते हैं उसको वाइट चाहिए या उसका बैकग्राउंड में कलर चाहिए या फिर ट्रांसपेरेंट चाहिए, यानी कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ भी आप कुछ अपने अकॉर्डिंग उसको फिल चूज करके उसको कंपनी को अपने जो लेयर है, सॉरी कंपनी में बोल रहा हूँ, जो आपका लेयर है उसको क्रिएट कर करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओके प्रेस कर देना और आपका लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब आइए मैं आपको देखिए इधर बता रहा हूँ, देखिए भाई यहाँ पे नेविगेटर में शो कर दिया कि नहीं शो कर दिया, जो मैंने लेयर दिया उसका नेविगेटर शो कर दिया ना। अब इसमें जो भी एडिटिंग करूँगा उसका शो कर इसमें बताता जाएगा। और आप यहाँ पे हिस्ट्री, हिस्ट्री में शो किया ना आकाश मौर्या का नाम से एक लेयर मैंने लिया, इसका हिस्ट्री लिया है ना, न्यू के थ्रू मैंने लिया हूँ, हिस्ट्री में शो किया। अब आ जाइए लेयर में, देखिए लेयर का भी हिस्ट्री शो किया, यहाँ पे बता रहा कि नहीं कि बैकग्राउंड वाला हम लेयर लिए हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे लॉक है, आप इसको लॉक को तोड़ना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल प्रेस करके इसको लॉक को तोड़ सकते हैं। डबल प्रेस करेंगे न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके करेंगे आपका न्यू लेयर ओपन हो जाएगा। देखिए आप यहाँ भी हिस्ट्री भी देखिए चेंज हुआ है, मैक लेयर यानी कि जो लेयर है एक न्यू लेयर बनाया गया है, मैक मतलब बनाना, एक न्यू लेयर बनाया गया। और एक लेयर में देखिए ये पहले बैकग्राउंड के थ्रू था, अब किस में हो गया, लेयर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसमें कुछ लेयर करे करे चेंजिंग कर सकते हैं। ये रही आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको फोटोशॉप में बताना चाहता था। ठीक है, अब आ जाइए मैं अब अगर कुछ और बता देता हूँ। ये मूव क्या होता है, इसकी मदद से आप देखिए जो लेयर बनाए हैं जो इसमें फोटो करेंगे उसको मूव करा सकती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, मार्की टूल, देखिए यहाँ से राइट एंगल मार्की टूल, ठीक है, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल्स, सिंगल कॉलम मार्की टूल, इसकी मदद से आप जो, ठीक है, ये रेक्टेंगल की तरह का, एलिप्टिकल की तरह, सिंगल की तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक टूल्स के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई उम्मीद के साथ। चलिए तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और जय हिंद।